नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में दिस अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्स्ड हो जाता है अमोनिफाइंग नाइट्रोजन, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट नाइट्राइट में, उसके बाद ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब ये जो होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस इज द केस जहाँ पे ये चीज चलती रहती है। नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा तो जो ऑर्गेनिज्म यूज होता है नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो नाइट्रोबैक्टर। इट इज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैन बी कीमो लिथो और ऑटोट्रॉप। ये कीमोट्रॉप्स हो सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन एनर्जी यूज कर सकते हैं, लिथो का मतलब रॉक से यूज कर सकते हैं, और ऑटो का मतलब खुद बना सकते हैं। एनामॉक्स आर दोज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनामॉक्स जो होते हैं दे आर द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस आर द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूज होते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर नाइट्रेट या अमोनियम को डायरेक्ट आपके एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए, आप बायोमोलिकुलर नाइट्रोजन में। इसके बाद डी नाइट्रिफिकेशन दैट नाइट्राइट, नाइट्राइट जो है नाइट्रेट नाइट्रेट जो है ये अगर आप देखेंगे तो नाइट्रेट जो है कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट होगा NO नाइट्रस ऑक्साइड में। ठीक है, दिस इज लाइक NO नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ये कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, तो ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। तो इसके लिए डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि सीडोनोमनास वगैरह यूज किए जाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डन बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शंस और द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस। फोटोकेमिकल अप्रॉक्सिमेटली 2% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशंस करते हैं, जहाँ पे कि गैसियस नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ओजोन्स। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रस नाइट्रिक ऑक्साइड, कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार ध्यान दें इसको चेक कर लेना, बट इट इज नाइट्रस। ठीक है, NO नाइट्रस होना चाहिए, और व्हाट्स लेट्स चेक कर लेना है। ठीक है, नाउ इसके बाद है प्रोड्यूस द नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट रिमेनिंग द 90% ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन विच ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्सेस इनटू द अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के तरीके से ये हो जाता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन से भी हो सकता है जो कि नेचुरल होता है, या बायोलॉजिकल में ये प्रोकैरियोट में कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजन से अमोनियम आयन में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम बोलते हैं डाइअजोट्रॉप्स, डाइअजो बैक्टीरिया, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक दोनों हो सकते हैं, एरोबिक एनरोबिक हो सकते हैं, यूकैरियोट या ये सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। नाउ देयर आर प्लांट्स जो कि फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स दैट्स एंजियोस्पर्म्स, इनमें 17 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सब नॉन मिनरल्स जैसे CHO, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये देयर, सब मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर्स, उसमें से मैक्रो हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम और ये सारी चीज़ें हैं, माइक्रो आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, ये सारी चीज़ें हैं। नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, या इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे अमोनिया और नाइट्रेट। पहला स्टेप होता है नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी आउट करता है, इट इज द होमोडाइमर, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज हीम एफएडी मोलिबेनम विद द लाइक सब पी ट्रेन कंपोनेंट्स होते हैं और टर्पीन होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं साइट ऑकरेंस, साइट ऑफ ऑकरेंस साइटोसोल होता है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनर NADH या NADPH हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है नाइट्रेट से अमोनिया, इट इज अ रिडक्टिव प्रोसेस एंड दिस इज कन्वर्टेड बाय द नाइट्राइट रिडक्टेज। ये नाइट्राइट रिडक्टेज है और ये नाइट्रेट रिडक्टेज, यहाँ पे जो है ये मॉलिब्डेनम से रिलेटेड होता है NADPH, ये चीजें हो सकती हैं। ये आयरन सल्फर से रिलेटेड है, सीरोहीम इसमें पाया जाता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, इसमें भी NADPH यूज हो सकता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर। नाउ ये प्लास्टिड में होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो प्लास्टिड में होता है, जबकि नाइट्राइट रिडक्टेज वाला जो प्रोसेस होता है वो साइटोसोल में हो रहा होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ये प्रोसेस जो होते हैं इस तरीके से चलते रहते हैं नॉर्मली नाइट्रेट और नाइट्राइट रिडक्टेज वाला। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमोनिया इनटू द अमीनो एसिड, अगर हम इनकॉर्पोरेशन के ऊपर बात करते हैं अमोनिया इनटू द अमीनो एसिड, देयर इज अ टू पाथवे, वन इज माइनर एंड सेकंड वन इज अ मेजर पाथवे। माइनर पाथवे जो होते हैं मतलब लेस कंटेंट में होते हैं, अमोनियम आयन को अल्फा कीटो ग्लूटामेट में कन्वर्ट करके इसको ग्लूटामेट में निकाले जाते हैं। ठीक है, अल्फा कीटो इस पर्टिकुलर पार्ट से अल्फा कीटो ग्लूटामेट या अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है, ठीक है, नॉट ग्लूटामेट, ये ध्यान रखना, ये टर्म जो है इट इज अ ग्लूटरेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज देयर, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। सो अल्फा कीटो ग्लूटरेट दैट इज अल्फा केजी अगर जुड़ेगा अमोनिया से तो ये बना देगा ग्लूटामेट, और ये ग्लूटामेट अगर अमोनिया से जुड़ा तो ये ग्लूटामेट पहले ग्लूटामीन में कन्वर्ट होता है, नॉट ग्लूटामेट,
ग्लूटामीन में कन्वर्ट होता है और इसके बाद फिर वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो देयर इज लाइक अ लिटिल बिट टाइपिंग एरर जो कि इन्वॉल्व होते हैं, ये ग्लूटामीन इन्वॉल्व हो जाएगा, ग्लूटामीन है ये ग्लूटामेट है, हम भी देखेंगे इसको डायग्राम के साथ। माइनर पाथवे अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, रिडक्टिव अमिनेशन होते हैं, यहाँ पे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनर एनएडीएच यूज किए जाएंगे। माइनर पाथवे में अगर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो दिस इज अ वेरी सिंपल अल्फा कीटो ग्लूटरेट, जो कि यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो आपका NH4+ NADPH बनाएगा और ये ग्लूटामेट कन्वर्ट करेगा और NADP+ में इन्वॉल्व हो जाएगा। सी द डायग्राम यहाँ पे जो हम बात करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ये क्या है, ये है नॉर्मली ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर, फिर ग्लूटामेट मेजर पाथवे जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ग्लूटामेट ये स्ट्रक्चर है, इसमें अगर देखेंगे ग्लूटामिन सिंथेसिस है, ATP यूज करके ये ग्लूटामिन बनाया, जहाँ पे CONH2 CONH2 ये चीज़ है। इसके बाद 2-ऑक्सोग्लूटरेट यानी 2-अल्फा-2-ग्लूटरेट से यूज करेगा और 2 मोल ऑफ ग्लूटामेट बना देगा। दो एंजाइम्स पहले यूज होता है ग्लूटामेट सिंथेज, ग्लूटामिन सिंथेज, फिर होता है ग्लूटामेट सिंथेज GOGAT, ठीक है, ये चीज होती है। और ये पर्टिकुलर केस में फिर ट्रांसमिनेशन वगैरह प्रोसेस होते हैं 2-ऑक्सोग्लूटरेट, फिर ये आपके ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज से इस पर्टिकुलर अमोनिया जोड़ेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द केस, ये माइनर है और मेजर है, जो बी वाला पार्ट आप देख रहे हैं तो दिस इज अ माइनर पाथवे, डायरेक्ट आपका इन्वॉल्व हो रहा था एक, और ये है मेजर, ठीक है। तो क्या होता है कि अमोनियम डायरेक्टली आपके जुड़ सकता है इस पर्टिकुलर केस में, अटैक कर सकता है यहाँ पे, या ये यहाँ से पहले अमोनियम अटैक करवाइए आप यहाँ पे और यहाँ से फिर ये अमोनियम अटैक करेगा इस पे और बनाएगा क्या, 2-ग्लूटामेट, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रांस इनकॉर्पोरेशन कैसे होते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन होने के भी कुछ आपके चीज़ें होती हैं, जैसे इनकॉर्पोरेशन के केसेस में जब हम बात करेंगे तो सी ईयर ग्लूटामेट है, ये ऑक्सिलो एसिटेट है, इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर केस में अमोनिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, ये मतलब अमीनो ग्रुप है, नॉट अमोनिया, ये अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सिलो एसिटेट है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि ट्रांस अमीनेशन के प्रोसेस होते हैं, ट्रांस अमीनेशन जब होता है तो इस पर्टिकुलर केस में दिस इज अ केस, यहाँ पे ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है और कुछ ऐसा चीज जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ये अमीनो ग्रुप जो होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहीं और पे, कहीं और का मतलब ये देखिए इस तरीके से CONH2 जुड़ा हुआ है, ए ऑक्सिलोसिटेट है और ये बन जाएगा आपका स्पार्टेट, ये बन जाएगा स्पार्टेट और ये चीज हो जाएगी इस तरीके से। तो क्या होता है, ये अटैक करेगा, ये पर्टिकुलर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, अटैक किया, जब इस पर्टिकुलर जगह पे अटैक किया तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इस पोर्शन से जुड़ जाएगा, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली हियर, लेट मी शो यू हियर, ठीक है, अटैक किया कहाँ पे, यहाँ पे अटैक किया, जब यहाँ पे अटैक किया तो ये पोर्शन जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इतने पोर्शन के साथ, तो यू विल गेट लाइक ये देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन जुड़ के ये बना दिया स्पार्टेट और बाकी ये जो वाला हिस्सा है वो पोर्शन, मैं इसको कलर कर रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट कि ये कितना पोर्शन आपका इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो ये जो है ये बना दिया क्या, ये बना दिया ग्लूटामेट और ये है आपका ग्लूटामेट से बन गया स्पार्टेट और ये ऑक्सिलोट्रेट से ये हो जाएगा कीटोग्लूटरेट। इसी तरीके से ग्लूटामीन और स्पार्टेट को देखिए, ग्लूटामीन स्पार्टेट में अगेन ये अमीनो है, ये अमीनो जब आप नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ग्लूटामीन के केसेस और अमीनो के केसेस में जब हम बात करेंगे तो दिस विल अटैक हियर, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इस पर्टिकुलर केसेस में आप ले सकते हो अगर नॉर्मली बात करते हैं तो ये अटैक करेगा, ठीक है, इस तरीके से जब अटैक करेगा तो ये पर्टिकुलर केस, इतना जो केस है और इतना केस, ठीक है, नॉर्मली जुड़ेगा और ये बना देगा आपका स्पैराजीन, ग्लूटामिन फिर स्पैराजीन बना देगा और फिर ग्लूटामेट बना देगा, तो ये चीजें जो हैं वो आपका इन्वॉल्व हो जाएंगी, अटैक करने के बाद जुड़ गया, जुड़ने के बाद एक ग्लूटामिन हो गया, आपने क्या किया अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर इससे इधर कर दिया और इससे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया आपने इस तरीके से, तो जब आप अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे थे और अपने इधर पहुंच गए तो ये पूरा का पूरा जो है इन्वॉल्व हो जा रहा था, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करो खुद उस तरीके से बन जाओ, तो यह पूरा का पूरा बैकबोन ले लो या आप अमीनो ग्रुप के तरीके से कर लो ट्रांसमिनेशन का पूरा हिस्सा, ठीक है। तो जब इस तरीके के केसेस में जब हम बात करते हैं तो ये अमीनो ग्रुप जो है ये पूरा का पूरा अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होके कहाँ आ गया, इस पे आ गया,
इस पे आ गया अमीनो ग्रुप, तो ये जो है अब कीटोन ग्रुप बन जाएगा और ये अमीनो ग्रुप हो गया। सिमिलरली ये अमीनो ग्रुप उठ के यहाँ पे आ गया, तो ये जब अब अमीनो ग्रुप हो जाएगा और ये कीटोन ग्रुप बन जाए, इस तरीके का ग्रुप बन जाएगा। तो यही चीज़ है, स्ट्रक्चर जो है थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो ट्रांसअमिनेशन में क्या होता है कि बेसिकली एक कीटो एसिड होता है, एक अमीनो एसिड होते हैं। ट्रांसअमिनेशन को फैक्टर का काम करता है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट को एज अ को फैक्टर यूज करता है और इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है इस पर्टिकुलर केस में। ये ट्रांसमिनेशन के एग्जांपल से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जगह से यूज करेगा और दूसरे पे भेज देगा, तो ग्लूटामेट और पायरुवेट को यूज करोगे तो अल्फा कीटोग्लूटेट और एलेनिन बनाने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद दीज आर द सम एग्जांपल्स कि कौन कौन से जो होते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एग्जांपल्स होते हैं, ये ध्यान रखना, दिस इज योर होमवर्क, ये सबका एग्जांपल्स आपको याद होना चाहिए। अगेन दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, कि लेग्यूमिनस प्लांट में कौन कौन यूज होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में कौन है, फ्रेंकिया कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या नहीं है, ये आगे मैं अभी बताऊंगा फिर से टेबुलर के फॉर्म में, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैन बी सिम्बायोटिक और इस, वो जो टेबलर फॉर्म है वो इसी फॉर्म में दिया गया कि इट कैन बी सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक होगा तो नोड्यूल बनाएगा या तो नहीं बनाएगा, अगर ये नोड्यूल बना रहा नहीं बना रहा है तो लीफ के साथ है, एजोला के साथ जैसे एना बिना है, या बीजीए जो कि आपके कोरोलॉयड रूट ऑफ साइकस में पाए जा रहे हैं, या अगर नोड्यूल बना रहा है तो रूट में बना रहा है, स्टेम में बना रहा है, अगर ये रूट में बना रहा है तो लेग्यूम के साथ है तो आपके राइजोबिया में, नॉन लेग्यूम के साथ है तो अलग अलग फ्रेंकिया वगैरह यूज होते हैं, और स्टेम्स के नोड्यूल बना रहा है तो सिस्पेनिया है। फ्री लिविंग या तो एरोबिक हो सकता है या तो एना बिना, एरोबिक होगा तो एजेटोबैक्टर एजोस्पिरिलम है, एनोरोबिक होगा तो क्लॉस्ट्रिडियम एंड क्रोमेटियम होगा। यही चीज स्टेबल में है, देखिए लेग्यूमिनस में आपके ये सारे पाए जाते हैं राइजोबियम में, इसके साथ साथ साइनो फ्री लिविंग के केसेस में साइनोबैक्टीरिया है, एरोबिक के केसेस में एजोस्पिरिलम ये सब है, फैकल्टेटिव में बैसिलस है, एनरोबिक में क्लॉस्ट्रिडियम क्रोमेटियम ये सब पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। नाउ एनरोबिक जो कि रूट नोड्यूल नॉन लेग्यूमिनस में बनाते हैं, नॉन लेग्यूमिनस दैट इज एलनस कैजुराइना फ्रेंकिया एंड पैरास्पोरिया जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। पैरास्पोरिया का जो पूरा का पूरा केस है पैरास्पोरिया राइजोबियम एनगुनेरिया पीसीए। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जब अमोनिया में फिक्स होता है इट इज अ रिडक्टिव प्रोसेस, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, 16 एटीपी की जरूरत पड़ती है एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यू नीड 8 इलेक्ट्रॉन एंड 16 एटीपी टू फिक्स द अमोनियम आयन। इलेक्ट्रॉन डोनर इज रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन, इलेक्ट्रॉन डोनर का जो काम करता है वो फेरिडॉक्सिन करता है, ओनली इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया हो सकते हैं, दैट आर द अजोट्रॉप्स। जैसा मैंने आपको बताया कि देयर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स जो है वो पाए जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है डाई नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज वेरी वेरी ऑक्सीजन सेंसिटिव, बहुत ही ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। इसको हटाने के लिए क्या होता है कि प्लांट में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके एसोसिएशन में बैक्टीरिया का ये डाई नाइट्रोजिनेज जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो प्लांट का लेग हीमोग्लोबिन बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है और बैक्टीरिया का डाई नाइट्रोजिनेज प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करके देता है। सो इसी वजह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं। बीजीए में हेट्रोसिस्ट नहीं प्रेजेंट होता जहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड अब्सेंट होता है, और इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन सेंसिटिव है, तो ऑक्सीजन अगर बना तो इसको दिक्कत कर देगा। ये डायनाइट्रोजिनेज FeMO टाइप, Fe टाइप या वैनेडियम टाइप जो हो सकते हैं वो आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, इट कैन बी एनी टाइप। नाउ FeMO टाइप डायनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज अगर हम बात करते हैं तो एक होता है डायनाइट्रोजिनेज, एक होता है डायनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। डायनाइट्रोजिनेज टेट्रामेरिक होते हैं, टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, FeMO टाइप है, और डायनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज आयरन सल्फर टाइप है। क्या करते हैं ये एक्चुअली डायनाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये है एक आयरन टाइप है और एक आयरन मॉलिब्डेनम टाइप है। फेरिडॉक्सिन जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, पहले रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये आपका आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा। यहाँ पे 16 एटीपी की जरूरत होगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। नाउ ये रिड्यूस इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट करेगा मॉलिब्डेनम आयरन के पास, और वो फिर से रिड्यूस्ड फॉर्म में यहाँ से ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर क्या करेगा कि नाइट्रोजन को देगा और इलेक्ट्रॉन लेके ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो दिस इज वन नाइट्रोजन कन्वर्टेड इंटू टू अमोनिया, और ये प्रोसेस चलता रहता है। पहले फेरिडॉक्सिन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन दिया आयरन को, आयरन ने मॉलिबेडनम आयरन को दिया, मॉलिबेडनम आयरन ने नाइट्रोजन को दे दिया। तो वेरी सिंपल सी बात है, पहले था फेरिडॉक्सिन, फिर आयरन, फिर मॉलिबेडनम आयरन और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, यही था, इलेक्ट्रॉन पहले इसको देना था, फिर इस इलेक्ट्रॉन इधर देना था, फिर इलेक्ट्रॉन इधर देना था, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में या NH3 अमोनिया में। ठीक है, ये केस जो है आपका चल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे डोनेट होता है, ये आपका डाइनाइट्रोजिनेज है, आयरन वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो है MO आयरन वाला पार्ट है। दिस इज द केस, ये दोनों के दोनों केस जो होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है यहाँ पे, एन टर्मिनस है, हिंज रीजन्स है, सी टर्मिनस है, ये केसेस पाए जा रहे हैं। NADH इज देयर टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके नाइट्रेट रिडक्टेज का ही पार्ट है, या NADH और FADH2 कैसे रोल प्ले कर रहे हैं हिंज रीजन्स में, मॉलिबेडनम का पार्ट यहाँ पे रोल इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो लाइट जब पड़ता है, लाइट रिएक्शन से ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं फेरिडॉक्सिन रिड्यूस्ड फॉर्म में। ये फेरिडॉक्सिन फोटोसिंथेसिस वाला फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, नाइट्राइड रिडक्टेज को देगा, जो कि क्या करते हैं नाइट्राइड को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो नाइट्रेट रिडक्टेज जो होते हैं इस तरीके से भी काम करते हैं यहाँ पे, जो चलता रहता है। सो मैंने जो आपको बताया नाइट्रेट रिडक्टेज, तो वैसे पहले वाला है जो मैंने आपको नाइट्रेट रिडक्टेज वाला डिस्कस किया था पहले, वो पार्ट है। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि ये रिएक्शन है जिसमें कि एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन और 16 ATP की जरूरत पड़ती है। नाउ ये फेरिडॉक्सिन 8 इलेक्ट्रॉन देगा, 16 ATP की जरूरत पड़ेगी। डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज जो है वो रिड्यूस्ड हुआ यहाँ पे, रिड्यूस्ड होने के बाद ये 16 ATP, ये जो है 16 ATP जो है डाइनाइट्रोजिनेज रिड्यूस्ड फॉर्म में आया, ये देगा डाइनाइट्रोजिनेज को, वो रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन को फिर इस तरीके से क्या, और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज द केसेस जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ ये है पूरा का पूरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद देयर इज अ लाइक रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन द लेग्यूमिनस प्लांट। रूट नोड्यूल राइजोबियम के थे, राइजोबियम इज अ ग्राम नेगेटिव प्रोटियो बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, मोटाइल है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव प्रोटियो बैक्टीरिया, फ्री लिविंग मोटाइल बैक्टीरिया है। कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है ये क्या करता है, कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। ये कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल सेंस बाय द बैक्टीरिया और उसके बाद वो मूव करते हैं। अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया अटैच करेगा विद द प्रोटीन विच इज नोन एज रीकैदेसिन प्रोटीन। एक प्रोटीन जो होता है यहाँ पे अटैचमेंट के लिए पाया जाता है, दैट इज अ रीकैदेसिन प्रोटीन, जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट पाया जाता है। कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल कैन बी फ्लेविनॉइड, होमोसेरीन, आइसोफ्लेविनॉइड, ये सब हो सकते हैं। रीकैदेसिन प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया, कैल्शियम बाइंडिंग होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए पाए जाते हैं। नोड्यूलिन फॉर्मिंग या नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स जो होते हैं, ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स, एक नोड्यूलिन जीन होते हैं, एक नोड्यूलेशन जीन होते हैं। ध्यान रखना दोनों फर्क है, नॉड जीन्स नोड्यूलेशन एंड नोड्यूलिन। नोड्यूलिन प्लांट में पाया जाता है जबकि नोड्यूलेशन बैक्टीरिया में पाया जाता है, एंड नॉड फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें से नॉड ABC 3 स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। नॉड ए जो होता है एसेटाइल ट्रांसफरेज करता है, दैट कैटेलाइजेस द एडिशन ऑफ फैटी एसाइल चेन। नॉड बी जो होते हैं ये काइटीन का ऑलिगोसेक्राइड का डीएसेटाइलेशन करते हैं, एंड नॉड सी जो होते हैं काइटीन ऑलिगोसेक्राइड सिंथेस का काम करते हैं, दैट मेक्स द ग्लूकोसामीन। बेसिकली क्या करते हैं कि नॉड नॉड का फॉर्मेशन करते हैं, नोड्यूलेशन का फॉर्मेशन करेंगे, जो आप देखते होंगे कभी कभी यहाँ पे रूट्स में कुछ इस तरीके से आपका सरफेस गोला गोला जो होता है स्ट्रक्चर आपको दिखना शुरू हो जाता है लेग्यूमिनस प्लांट में, नॉड्स का फॉर्मेशन करेंगे वो, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड काइटिन ऑलिगोसैक्राइड्स की वजह से होता है। ABC जो होते हैं ये चीजें पाए जाते हैं। ए फॉर एसिटाइल ट्रांसफरेज, बी इज फॉर डीएसिटाइलेशन, एंड सी का मतलब है सिंथेस। ठीक है, तो नोड्यूलेशन फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, लिपोकाइटो ऑलिगोसेक्राइड्स के ऊपर काम करते हैं। दे वर्क ऑन लिपो फैटी एसिड लिपिड होता है, ऑलिगोसेक्राइड 6 से 10 N-acetyl ग्लूकोसामीन लिंक्ड होते हैं, β1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, β1 to अगर हम बात करें तो 1 to 2 होता है, एंड कर्लिंग ऑफ रूट हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, एंड प्रमोट द डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स, यानी सब चीज़ों के लिए होते हैं। नॉट डी गोज इन कॉन्टेक्ट विद द रूट हेयर, एंड आफ्टर द कॉन्टेक्ट इट कम्स एंड डिवाइड इन द बैक्टीरियल सेल एंड
स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉट एबीसी जीन। तो नॉट डी जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, जो सबको रेगुलेट करता है, जितने भी सारे पार्ट पा जाते हैं। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। Thank you.